पाकिस्तान है बल्दिया फैक्ट्री केस। मरकजी मुजरिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फांसी की सजा बरकरार। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे में बादलों की परफॉर्मेंस, वनडे मैच टू डे बन गया। बारिश से मुतासर पाक भारत मैच आज वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। कोलंबो में आज भी बारिश का इम्कान। इंडिया 147 रन दो खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। चित्राल में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए, 6 जख्मी। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। स्मगलरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आखिरी हद तक जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वजीर दाखिला का ऐलान, सरफराज बुगती बोले जखीरा अंदोजों स्मगलर्स की मालूमात देने वालों को इनाम दिया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके बका शिखा में पुरानी दुश्मनी पर दो ग्रुपों में तसादम, 4 अफराद हलाक, पुलिस की भारी नफरी तैनात। खालिस्तान के क्याम की तहरीक, कैनेडा में सिख फॉर जस्टिस के जेर तमाम रेफरेंडम, सिखों ने बड़ी तादाद में अकीर दही इस्तेमाल किया। सिख रहनुमा गुरपंत सिंह पन्नू का जोशीला खिताब, कहा भारत के टुकड़े करके दम लेंगे। मिल्लत का पास बा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जा है मोहम्मद अली जिना। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाले अजीम लीडर का यौम वफात। निगरान वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत, कहा क़ायद आज़म के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने की जरूरत है।